क्लास नाइन हिंदी चैप्टर लहासा की ओर के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्यों? उत्तर है, लेखक के मित्र सुमति की यहाँ के लोगों से जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में होने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई, जबकि दूसरी जब उनकी यात्रा हुई थी तब उन्हें जानकारी नहीं थी और वो वज्र वेश में आए थे, यानी कि अच्छे कपड़ों में आए थे। उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, उन्हें गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरने को स्थान मिला। ऐसा होना बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को लोग दुरुस्त रख पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तिब्बत में हथियार के कानून का न रहने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का भय बना रहता था। प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? उत्तर है, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर थोड़ा धीमे चलने लग गया था, इसलिए वह 1.5 किलोमीटर दूसरी तरफ चला गया था। प्रश्न है, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार नहीं रोका, क्यों? उत्तर है, एक मंदिर में लेखक वहां के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। पोथियां पढ़ने में वो इतने मग्न हो गए कि सुमति को जाने के लिए हाँ कर दी। प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहली कठिनाई तो उन्हें ये आई कि उन्हें तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा, चोरी के डर से लोग भिखारियों को अपने घर में नहीं घुसने देते थे, इसलिए ठहरने के स्थान को लेकर उन्हें बड़ी कठिनाई आई। तीसरी कठिनाई, उन्हें डांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना था, यह कठिनाई उन्हें आई और साथ ही वो अपना रास्ता भटक गए थे। ये चौथी कठिनाई उन्हें अपनी यात्रा में आई। प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उस समय तिब्बत के समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं था, महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा भी नहीं थी, अपरिचित व्यक्ति को अपने घर में आने देते थे, लेकिन चोरी के भय से भिखारी आदि को घुसने नहीं देते थे, वहाँ अतिथियों का अच्छा सत्कार किया जाता था। प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसमें वाक्य का कौन सा अर्थ है? इसमें है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? पहली विशेषता है, सुमति व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। दूसरी है, उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण था। तीसरी है, वे जहाँ भी जाते थे अपनी मित्रता के स्वभाव के कारण मित्र बना लेते थे। चौथी है, अलग अलग स्थानों पर घूमना उन्हें ज़्यादा पसंद था। पांचवी है, वे एक से अधिक बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव के बारे में उन्हें भली भांति जानकारी थी। प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है या अनुचित, इस पर विचार व्यक्त करें।
उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होती है। वेशभूषा मनुष्य के स्वभाव और व्यक्तित्व को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर उनका सात्विक रूप हमारे सामने आता है, उसी प्रकार भिखारी के वस्त्रों को देखकर उसकी वेशभूषा को देखकर हमारी उस सामने उसकी आर्थिक गरीबी दिखाई देती है। प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें, वहाँ की आप एक राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर लिखेंगे, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है, डांडे के ऊपर समुद्र से गहराई लगभग 17,000 से 18,000 फीट है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई देते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर ना तो बर्फ की सफेदी थी, ना ही किसी प्रकार की हरियाली थी। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। प्रश्न है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी यात्रा के आधार पर दे सकते हैं, इसी पाठ के आधार पर भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है, आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन का संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है, इसमें लेखिका के बचपन की यादों का अंश प्रस्तुत किया गया है।